हेलो दोस्तों, आपका अपने चैनल किकोमेनिया में आपका स्वागत है। क्रिकेट से जुड़ी शानदार खबरों के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल में आएगी नोटिफिकेशन बेल, उसे दबाना बिल्कुल ना भूलिए, जिससे कि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगी। चलो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अपने वीडियो में। डेब्यू मैच में छक्के से खाता खोलने वाले विश्व के 7 क्रिकेटर, लिस्ट में 2 भारतीय भी शामिल। हेलो क्रिकेट के दीवानों, दोस्तों किसी भी बल्लेबाज के लिए डेब्यू मैच या पारी बेहद अहम होती है। हर बल्लेबाज की कोशिश होती है कि वे इसे यादगार बनाए। क्रिकेट की तारीख में कई ऐसे मौके आए हैं जब अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में बल्लेबाजों ने अपना पहला रन छक्के के रूप में बनाया है। आज इस वीडियो में हम 7 क्रिकेटर्स के बारे में बात करने जा रहे हैं जिन्होंने अपना पहला रन छक्का लगाकर बनाया था। नंबर 1, जेवियर मार्शल। वेस्टइंडीज के जेवियर मार्शल ने 20 जनवरी 2008 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपने डेब्यू T20 मुकाबले में छक्के के साथ खाता खोला था। ब्रिस्टोन में खेले गए इस मैच में उन्होंने 3 चौके और 3 छक्के लगाते हुए 15 गेंदों में 36 रन बनाए थे। नंबर 2, ऋषभ पंत। भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत ने अगस्त 2018 में टेस्ट डेब्यू किया। उन्होंने ट्रेंट ब्रिज में इंग्लैंड के खिलाफ इस मैच में अपना पहला रन छक्का लगाकर बनाया था, जिसके साथ ही वे टेस्ट में ये कारनामा करने वाले पहले भारतीय बने। नंबर 3, यूसुफ पठान। 2060 T20 विश्व कप के फाइनल मुकाबले में भारतीय ऑलराउंडर बल्लेबाज यूसुफ पठान को डेब्यू करने का मौका मिला। यूसुफ ने इस दौरान 8 गेंदों में 15 रन बनाए। इस दौरान उन्होंने छक्के के साथ अपना खाता खोला था। नंबर 4, शाहिद अफरीदी। 1996 में श्रीलंका के खिलाफ डेब्यू करने वाले शाहिद अफरीदी को अपने पहले मैच में बल्लेबाजी का मौका नहीं मिला था, लेकिन दूसरे मैच में उन्होंने दूसरी ही गेंद को सीमा रेखा के ऊपर से मैदान के बाहर भेज दिया, अपने इरादे जाहिर कर दिए थे। अफरीदी ने इस मैच में 37 गेंदों में शतक जड़ा था और पहली ही गेंद पर उन्होंने छक्के से खाता खोल लिया था। नंबर 5, सोहेल तनवीर। पाकिस्तान के तेज गेंदबाज सोहेल तनवीर ने 2060 T20 विश्व के दौरान अपनी पहली पारी में छक्का लगाकर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अपना पहला रन बनाया था। नंबर 6, मार्क क्रेक। न्यूजीलैंड के मार्क क्रेक ने 8 जून 2014 को वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट डेब्यू किया। इस मैच में क्रेक ने 2 गेंदों पर 7 रन बनाए। इस दौरान उन्होंने अपना पहला रन छक्के के रूप में बनाया। नंबर 7, अल अमीन हुसैन। बांग्लादेश के अल अमीन हुसैन ने अक्टूबर 2013 में न्यूजीलैंड के खिलाफ अपना पहला टेस्ट खेला। इस मैच में वह सिर्फ 1 गेंद खेल सके। इसके बाद श्रीलंका श्रृंखला के दूसरे मैच में अमीन ने छक्का लगाकर अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय रन बनाया। दोस्तों, आप भी किसी ऐसे बल्लेबाज को जानते हैं जिसने छक्के से खाता खोला हो तो उसका नाम हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द ही मिलते हैं क्रिकेट के अनोखे रिकॉर्डों के साथ। तब तक गुड बाय दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।